नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसके तीन पार्ट अभी कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, लेट इट इज़ एफ एक्स 2x-3/2, एफ डैश एक्स लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, एंड -3/4 का 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है, दिस इज 2 हो गया। सेकेंड एफ एक्स हमने ये लिया, या तो हम इसको ओपन कर लें या फिर u इंटू वी वाला फार्मूला, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। एफ एक्स मान लीजिए हम इसको सोल्व करें तो मेरे पास ये हो जाएगा 5x^4 प्लस का 3x² -x -5x³ -3x -+। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 5x^4 -5x³ प्लस का 3x² माइनस का x माइनस एक्स क्यूब, एक्स की 4 हो गया, एक्स क्यूब हो गया x² एंड माइनस के 4x एंड प्लस का 1 हो गया, दिस इज एफ एक्स। सो एफ डैश एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव हम लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 × 4 वैल्यू आगे आ जाएगी, x^2 कितना रह जाएगा 3, -5 × 3 आगे हो जाएगा x² प्लस का 3 × 2 आगे हो गया x माइनस का 4 एंड प्लस 1 का क्या हो गया 0 हो गया। 20x³ माइनस का 15x² प्लस का 6x-4 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -³ × 5+3x, ओपन कर लीजिए इसको, एफ एक्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5 × x^-3, इससे मल्टीप्लाई करें 3x^1 मीन्स x^2 कितना रह जाएगा माइनस का 2, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 5 as it is पावर आगे ले लीजिए -3 x^-1, एक पावर और मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 4 हो गया, प्लस 3 × पावर आगे आ जाएगी -2 x^2, एक और कम कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, दिस इज -15 x^-4 एंड -6 x^-3। और हम ऐसे भी कह सकते हैं 15 × x^4 -6 × x³ भी हमारा आंसर ले सकते हैं हम। ठीक है, बहुत ही आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, एफ एक्स इज इक्वल टू x^5 × 3-6x^-9, मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x^5-6, माइनस का 9 प्लस का 5 है तो माइनस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे, दिस इज एफ एक्स। नाउ एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो गया 3, पावर नीचे आ गया 5x^1 कम कर दीजिए, माइनस का 6 × पावर नीचे होगी -4, एक पावर और कम करेंगे तो x^2 कितना बन जाएगा माइनस का 5, दिस इज 15x^4 -24x^-5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 3 × x^-4, यहाँ पे -4 × x^-9 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा 3 × पावर आगे आ गई -4, x^-5 एक और कम कर दिया हमने, -4 × पावर -9, x^-10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई -12 x^-5 -36 x^-10 हो गया, या डिवाइड में अगर हम करते हैं इसको तो -12 x^5 +36 x^10। ठीक है, बहुत ही आसान से हैं। नेक्स्ट एफ एक्स 2/x+1
माइनस एक्स क्यूर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन, दोनों अलग अलग हैं, यू अपॉन वी वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन। इसका डेरिवेटिव लूँ मैं, नीचे वाले का स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वेयर हो गया, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज प्लस का डेरिवेटिव ऑफ टू माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, क्वोशेंट रूल लगा दिया, माइनस सेम यहाँ पे हो गया 3x माइनस वन का स्क्वेयर, 3x माइनस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन 3x माइनस वन हो गया। x प्लस वन का स्क्वेयर, x प्लस वन, टू हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो इंटू एक्स प्लस वन जीरो ही बन जाएगी, माइनस टू इंटू एक्स का वन हो गया, वन का जीरो तो टू इंटू वन बन गया, माइनस थ्री एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन गया टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू, इसका डेरिवेटिव लेंगे थ्री एक्स का तो बन गया थ्री एंड वन का जीरो बन गया, डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, दिस इज माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस का सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस का टू एक्स एंड माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, सिक्स एक्स स्क्वेयर में से थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, और एक्स कॉमन भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, एक्स कॉमन भी आप यहां से दिखा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ईजी था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स का हमने इंट्रोडक्शन में किया था, कोस एक्स का यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास एफ एक्स जो है वो है कोस एक्स, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एच, कोस ए माइनस कोस बी, फार्मूला क्या था, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी मीन्स टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एच अपॉन टू हो गया एंड डिवाइडेड बाई एच, ये टू नीचे ले जाके इसकी लिमिट अलग ले लीजिए, मेरे पास बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ टू एक्स प्लस एच अपॉन टू एंड माइनस हम बाहर ले लेते हैं माइनस, और यहाँ पे बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, मैंने यहाँ पे क्या रख लिया साइन एच बाई टू, ये टू यहाँ डिवाइड होके एच अपॉन टू हो जाएगा, बट साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है, माइनस एच की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दूँ टू एक्स प्लस जीरो अपॉन टू इंटू ये बन गया वन लिमिट के हिसाब से, अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस साइन ये जीरो बन गया टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू होगी साइन एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स दैट इज माइनस का साइन एक्स, डेरिवेटिव जो भी सी से शुरू हो रहे हैं कोस हो चाहे कोट हो चाहे कोसिकेंट हो उनके साथ क्या लगेगा माइनस आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। साइन एक्स कोस एक्स हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको कर चुके हैं,
तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है कर चुके हैं हम ये, दिस इज माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिख लीजिए। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं किया था बट हम यहाँ से कर सकते हैं, एफ एक्स मेरे पास सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स वन अपॉन कोस एक्स होता है, तो यू अपॉन वी वाला फार्मूला अगर मैं लगाऊं एफ डैश एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस एक्स का हो गया स्क्वेयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जीरो माइनस कोस एक्स का क्या बन जाएगा हमारे पास से, कोस एक्स का था माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स अपोन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन अपोन कोस टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट एक्स एंड वन अपोन कोस एक्स क्या बन जाएगा सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो गया भाई, ठीक है आगे हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम कर चुके हैं एफ एक्स हमारा क्या है, फाइव सीकेंट एक्स प्लस का फोर कोस एक्स, यहाँ पे अगर हम एफ डैश एक्स लेते हैं तो फाइव डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस का फोर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे फाइव सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस का फोर कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का फोर साइन एक्स, इजी से हैं। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट कोसिकेंट एक्स, एफ एक्स जो है कोसिकेंट एक्स मीन्स वन अपॉन साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स को हम वन अपॉन साइन एक्स ले सकते हैं, यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगाएं कोसेंट रूल, एफ डैश एक्स नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ वन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू वन जीरो बन जाएगा डेरीवेटिव कॉन्स्टेंट का, माइनस वन साइन एक्स का क्या बन गया कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स, कैसे लिख सकते हैं हम माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट एक्स, तो माइनस कोसिकेंट एक्स कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट एक्स हो गया, ठीक है तो कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स हो गया भाई, ठीक है या आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, अगर मैं कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दूँ दिस इज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड प्लस फाइव अपॉन साइन एक्स, और कोस एक्स को यहाँ पे भी यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं बट यहाँ पे मेरे पास ये भी वैल्यू है इसलिए मैंने इसमें एलसीएम ले लिया साइन एक्स, दिस इज थ्री कोस एक्स प्लस का फाइव एफ एक्स, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर हो गया, नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ थ्री कोस एक्स प्लस का फाइव माइनस थ्री कोस एक्स प्लस फाइव एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स इसका डेरिवेटिव थ्री कोस एक्स का इंटू थ्री कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स
एंड प्लस फाइव, फाइव का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो बनेगा। माइनस थ्री कोस एक्स प्लस फाइव साइन एक्स का कोस एक्स हो गया भाई, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स, ऊपर वैल्यू बन गई माइनस का थ्री साइन स्क्वेयर एक्स, माइनस का थ्री साइन स्क्वेयर एक्स माइनस थ्री कोस स्क्वेयर एक्स एंड माइनस का फाइव ऑफ कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। अगर मैं माइनस थ्री कॉमन ले लूँ, माइनस थ्री दिस इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का फाइव कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। सो माइनस थ्री माइनस फाइव कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अलग अलग अगर आप डिवाइड करोगे तो अलग अलग ये हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन साइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर मीन्स थ्री कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, माइनस फाइव कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स क्या बन जाएगा, दिस इज कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। देखिए फाइव कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स बन गया, और कोट एक्स का जो बनता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस का थ्री कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अब आगे से आप डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एफ एक्स जो है दैट इज फाइव साइन एक्स माइनस सिक्स कोस एक्स प्लस का सेवन है, डायरेक्ट एफ डैश एक्स पुट करें, फाइव साइन एक्स का क्या बन जाएगा कोस एक्स, माइनस सिक्स कोस एक्स का क्या हो गया डेरिवेटिव साइन एक्स, प्लस सेवन का क्या हो गया जीरो। आंसर क्या बन गया, फाइव कोस एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट, ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू टू टेंजेंट एक्स माइनस सेवन सीकेंट एक्स, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव टू डेरिवेटिव ऑफ किसका टेंजेंट एक्स माइनस सेवन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का हम पहले कर चुके हैं, टेंजेंट क्या क्या बना सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस सेवन सीकेंट एक्स का क्या बनेगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इज योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान सी थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।